अब जो भी चीज है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमें थोड़ी देखी इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। ठीक है, और क्या है कि हम देखते थे वो लेवल हमारे सेल था वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती थी उसको हम कैथोड कहते थे, जहाँ पे रिडक्शन होती थी उसको कैथोड कहते। ठीक है, फिर अंतिम चरण था ये पॉजिटिव। ए लेवल्स में पी और डाउन यहाँ पे रिडक्शन होती है इसको एनोड कहते हैं, रिडक्शन होती है इसको कैथोड। हमने एक और चीज ये देखी कि हमारे यहाँ पॉजिटिव है यहाँ कंडक्ट और हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्ड इलेक्ट्रिसिटी एनोड। ठीक है, और ये जो है ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। हमने पोलराइजिंग पर तक केस हुआ तो वो कहा था कि मोल्टन आयोनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, और इसमें एनोड थे तो CN18 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और कैथोड के तो ब्रेड होगा तो वो एन ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन एन ए। ठीक है, हमारे पास हमें सी ठीक है एन ए पॉजिटिव यहाँ पे देंगे यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, एक बात है तो प्योर थोड़ी लगती थी एनोड में इलेक्ट्रॉन एनोड साइड में होगा कैथोड पर इलेक्ट्रॉन केस टू पहली एडवर्स सॉल्यूशन। ठीक है, हमने कहा कि आयन लोअर वैलेंस इस चार्जेस एग्जांपल ले डब्ल्यू NaCl ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था इस पॉजिटिव था और इसमें तो फिर वो देखते हैं कि और पे थोड़ दी एनोड में हमारे पास फोर पॉइंट्स लिखते हैं कि प्लस टू एक्स टू फोर फोर टू प्लस फोर इलेक्ट्रॉन फोर टू इलेक्ट्रॉन तो एच पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव पॉजिटिव एंड ऐसे लोअर डेक्ट एक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज वो देखते हैं जो हाँ तो लिथियम रेडियम एलुमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज इसको याद करने का तरीका ये है कि आप जो है वो डेली ग्रुप वन उल्टा ग्रुप टू उल्टा यहाँ से ग्रुप वन और ग्रुप टू उल्टे ग्रुप वन उल्टा ग्रुप
और यहाँ से जो जो भी अब ग्रुप वन उल्टा ग्रुप टू उल्टा उसके चार सौ दिन बैच कर सकते हैं ताकि रिकॉर्ड हो जाए क्या मुझे लगता है और उसके हाँ इसको ग्रुप है ठीक है प्रीलिम्स एक्टिविटी सीरीज चार सौ दिन इसके साथ साथ एक्टिविटी सीरीज और भी है वो एक्टिविटी तो भी है तो फोर टू नेगेटिव फोर थ्री नेगेटिव थ्री नेगेटिव 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 और एच नेगेटिव और इसको याद करने का तरीका आउट्स इन रिटर्न एंड ओवर ठीक है आउट्स इन रिटर्न के अंदर लेट्स सी इसको याद करें ये हमारे पास एक्टिविटी सी में आगे अब इसके बाद जो है वो थी थ्री टू इस थ्री टू इस थ्री है कॉन्सेंट्रेटेड एंड पुश अच्छा तो ये केस थ्री से ये केस थ्री का रूल Air concentration increases the chance of discharging and therefore give first preference for discharging to the ion of the solute but very reactive cation and will not discharge even if they have high concentration. अच्छा जी अब जो है वो हम अगली चीज ये देखिए जी ये क्या है एक सेकेंड लिखना नहीं है ठीक है इसको नोट नहीं करना क्या आपको इसकी सारी स्क्रीनशॉट वगैरह मिल जाएगी आपको मैं इसकी पिक्चर ग्रुप पर कोई लगा देगा या मैं खुद लगा दूंगा यूट्यूब वाले जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा इसका वो देख सकते हैं ये मैंने संडे को मैंने पूरा एक दिन लगाया और ये जो है ये आपके लिए बड़े अच्छे तरीके से इस तरह कंपाइल किया ठीक है और काफी इसमें जो है वो हम कुछ चीजें देखते हैं हम ये कहते हैं कि देखें वही जैसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज आपके पास डेटा बुक में गिवन थी उसी तरह जो है उन्होंने यहाँ पे दे दी है लेकिन अब क्या हुआ है कि वो डेटा बुकलेट की वैल्यूज थोड़ी सी अरेंज करके जरा थोड़े से बेहतर तरीके में अरेंज करके हमें आप और कुछ ऑब्जर्वेशन बताई गई हैं। अब डेटा बुकलेट जो थी वो 2021 तक अवेलेबल थी ये 2022 वाज द फर्स्ट ईयर जिसमें डेटा बुकलेट एग्जाम में नहीं दी गई थी ठीक है और अभी फिलहाल एक्सपेक्टेशन ये है कि आइंदा का साल आने वाला साल और शायद उससे भी अगले साल डेटा बुकलेट एग्जाम में नहीं नहीं गिवन होगी तो अब डेटा बुकलेट जब एग्जाम में नहीं इस साल इन्होंने क्या किया था कि डेटा बुकलेट नहीं गिवन थी तो ई नॉट की वैल्यू जो थी वो क्वेश्चन में ही लिख दी थी ई सेल की वैल्यू क्वेश्चन फाइंड करनी है तो ई नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी अब हम ये चीज में इसलिए अब ये इसलिए काम इस पर करवा रहे हैं ताकि अगर पेपर में आपके पास ई नॉट की वैल्यूज नहीं होती तब भी जो है वो आप अंदाजा लगा सकें ई नॉट की वैल्यू का और उसके लिहाज से ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं ठीक है अब आप देख सकते हैं जब -3.04 से वैल्यू -1.66 तक आ रही है तो इसमें हम ये कहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं दे नेवर डिस्चार्ज इन एक्वस सॉल्यूशन जिंक जो होगा वो हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में हो जाएगा और -0.44 से 0.80 तक जितनी ई नॉट की वैल्यूज है वो डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेशन बोथ में दोनों में हो जाते हैं ठीक है इसी तरह जो है वो नेगेटिव आयंस का भी आप देख सकते हैं कि क्या रिलेशन ठीक हो गया
अच्छा जी, अब जो है वो हम इसी तरह कहते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं, ये टेंडेंसी ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक हो गया। अब इस चीजों में ये थोड़ा सा आप ना ऐसा कीजिए, इसको आई गिव यू 2-3 मिनट्स, जस्ट गिव इट अ रीड, इसको देख लें एक दफा और फिर बताएं कि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है, फिर हम आगे बात करें। जस्ट गिव इट अ रीड, 2 मिनट देख लें इसको आप। ओके, 2 पॉइंट्स इसके नीचे क्या लिखे हुए हैं, इनको भी देख, इनको भी देख। अच्छा 1 मिनट, हमने जो है वो ये टेबल से 2 बनाए, इसमें थोड़ी सी फाइंडिंग्स अपनी लिखी जो है। अच्छा प्लीज, मैंने काफी टाइम लगा के कंपेयर किया, जाया ना पूरा वीक, पूरा वीक एक दिन लगाया हुआ था। अच्छा जी, हमने अपनी फाइंडिंग्स जो है वो इस तरह लिखी, ठीक है, और हमने जो है वो सब कुछ किया, और उसके बाद जब हमने अपनी सारी फाइंडिंग्स देख ली, हमने 2 स्टेटमेंट्स जो है वो जारी की, एंड दोस 2 स्टेटमेंट्स वर दैट ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड एल्युमिनियम नेवर डिस्चार्ज इन एक्वस सॉल्यूशन। ग्रुप 1 एलिमेंट्स डाल दो, ग्रुप 2 डाल दो और एल्युमिनियम डाल दो, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो कभी डिस्चार्ज नहीं है। ठीक है, ये पॉजिटिव आयंस के लिए था। नेगेटिव आयंस के लिए एफ नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, नेवर डिस्चार्ज इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा जी, जब हम एच पॉजिटिव लाइन एसिड से तो 2H+2 इलेक्ट्रॉन H2 बनता है, और जब हम एच पॉजिटिव लाए वाटर से तो 2H2O, 2H+2O, H-। अब दोनों इक्वेशंस को जब हम प्लस करें, 2H+2 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 2H2O+2 इलेक्ट्रॉन H2+2O H-। इसकी जो ई नॉट वैल्यू है वो -0.83 है, आपके पास ये लिखी हुई है। ठीक है, सो ये जो इक्वेशन है 2H2O+2 इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल पार्ट H2+2O OH- -0.83 जिसकी ई नॉट की वैल्यू, ये एक फंडामेंटल वैल्यू है हमारे पास, जो हमें जिससे हम बहुत सी चीजें जो है वो डिराइव कर रहे होंगे, और जिसे ऊपर जिसे नीचे हम बातें कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह ये एच पॉजिटिव की आपने बात देखी, मैं रेज करने वाला हूँ, रेज हो गया। ओ एच नेगेटिव लाए हम एल्कलाई से, ठीक है, 4OH- था, 2H2O हुआ और +O2 +4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसी तरह अगर आप OH- ले आए वाटर से, 4H2O gives us 4H+4OH-। ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को, 4OH-2O2OH2O sorry 12 2H2O+O2+4 इलेक्ट्रॉन। जब ऐड कर देंगे कैंसिल आउट, अब चीजें होना शुरू हो गई, 2H2O क्योंकि ये 4 और ये 2 कट गया, 4H+O2+4 इलेक्ट्रॉन। सो ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया। तो इस किस्म की चीजें जो हम देख रहे होंगे अभी, जो आप देख सकते हैं ना कि ये टेबल है, और बहुत से आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है और उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, और हमने क्यों आपको इस में डाल पढ़ा रहे हैं। या आगे जब अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं तो उसमें जो है वो आपको क्लियर होगा कि हमने क्यों लेगा, और जब आप सीआई लेने जाएंगे और जब स्कूल के एग्जाम देंगे तब भी आपको
अंदाजा होगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस। ठीक है, अच्छा जी, अब यही चीज जो है उसको हम कहते हैं कि एक समरी लिखते हैं, और वो ये है। ठीक है, अच्छा जी, ओके। यहाँ पे आप देखें, हम सबसे पहले बात करते हैं कि 1.03 से जो चीज जो है -103 से बड़ी होगी, ठीक है, उसमें जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है, और 1.43 से बड़ी होगी तो उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। पहले इसको देखिए, पहले क्या हो गया भाई, पहले इस पार्ट को देखिए, ठीक है। चलो, क्या हो गया? हाँ, पहले आप इस पार्ट को देखें, ये शुरू वाला पार्ट देखें अभी आप, ठीक है, समझ जाएं कि ये चीज है ही नहीं, दिस डजंट एग्जिस्ट। ये लो, अब ठीक है ना। अच्छा जी, और 1-1.03 से जब आप देखोगे तो आपने कह दिया कि ऊपर जब जाओगे तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है, और 1.03 से -0.63 तक हम कहते हैं कि डाइल्यूट सोल्यूशन जो होगी उसमें H2 प्रोड्यूस हो रहा होगा, और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज हो रहा होगा, ठीक है, और जब -0.63 से नीचे आएंगे, यानी कि वैल्यू जो है वो कम हो रही होगी, तो पॉजिटिव आयन जो है वो डिस्चार्ज कर जाएगा, ठीक है, ये एक समरी है, ये एक समरी है, ठीक है। इसी तरह यहां पे हम बात, ठीक है, इसको जोड़ दें। अच्छा, हमने ये कह देते हैं कि देखो, जब आप 1.43 से ऊपर जाते हैं, वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, और 1.43 से 1.03 के दरमियान क्या होगा, उसमें जो डाइल्यूट सोल्यूशन होगी उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा होगा, और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में नेगेटिव आयन डिस्चार्ज होगा, और 1.03 से नीचे जाते रहेंगे तो नेगेटिव आयन भी डिस्चार्ज होता रहेगा, ठीक है। इसलिए आप ये दो स्टेटमेंट्स लिख लें, दैट ये डैश नहीं है, ये -1.03, एट हायर कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू इज मोर देन -0.83, एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू इज लेस देन -0.83, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे देते हैं, चले आ जाए, चलो एग्जाम्पल। अच्छा जी, एग्जाम्पल हम ये देते हैं कि आपके पास है कोबाल्ट 2+2 इलेक्ट्रॉन, और आपने कोबाल्ट बना लिया, इसकी ई वैल्यू है 0.28, ठीक है, आपके पास CO2+ है, Cl- है, H+ है, OH- है, कौन सा डिस्चार्ज होगा? CO डिस्चार्ज होगा, ठीक है। ये समरी देखें जो भी आपको दिखाई है, वो वापस देखें जो भी आपने लिखी है, समरी देखें, सीओ क्यों होगा? नेगेटिव 0.28 है, ठीक है, नेगेटिव 0.63 से बड़ी है वैल्यू, तो बड़ी होगी तो पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह देखें आप यहाँ पे, अरे बस Cl2+2 इलेक्ट्रॉन Cl है, इसकी वैल्यू है 1.36, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 1.36 वैल्यू है, ठीक है, और Cl नेगेटिव आयन है, ये भी याद रखें, नेगेटिव आयन है, तो इसमें क्या हो रहा है कि देखो, डाइल्यूट में और कॉन्सेंट्रेटेड में दो डिफरेंट इफेक्ट्स होंगे। डाइल्यूट में ये इफेक्ट होगा कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, डाइल्यूट में ऑक्सीजन क्यों प्रोड्यूस होगा, ये पास पेपर के क्वेश्चंस नहीं है, ये रवायती मैं करवा रहा हूँ, ठीक है।
क्यू का 1.36 है, ठीक है। नेगेटिव आयन में देखा कि 1.03 से 1.43 तक आपके पास डाइल्यूट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है और कॉन्सेंट्रेटेड में नेगेटिव आयन डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसमें Cl2 प्रोड्यूस, ठीक है। गौर देख लेते हैं, CO2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन CU, इसकी वैल्यू है 0.34, तो क्या होगा, कॉपर डिस्चार्ज, गुड हो गया। Li पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन Li माइनस 3.04 जी, तो अब माइनस 3.04 बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, हम इसमें कहते हैं कि लिथियम Li doesn't discharge either in concentrated or dilute. Value is too high with respect to minus 0.83 जो हमने शुरू में देखी थी, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह देखें मैंगनीज, Mn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Mn, ठीक है, माइनस 1.18 क्या प्रोड्यूस हो रहा है, जी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, H2 प्रोड्यूस, ठीक है, क्योंकि माइनस 1.03 से बड़ी है और 1.03 से वैल्यू जो है वो, सॉरी 1.03 इट्स मोर नेगेटिव देन 1.0 माइनस 1.03, तो मोर नेगेटिव हो तो H2 प्रोड्यूस होता है। इसी तरह आप देखो Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Pb, इसकी वैल्यू है माइनस 0.13 कॉन्सेंट। अच्छा, अब ये जो है माइनस 0.13, ये दोनों में, डाइल्यूट में भी और कॉन्सेंट्रेटेड में भी, हम ये कहते हैं कि डिस्चार्ज द बोथ कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, बिकॉज द थिंग इज दैट वैल्यू टू हाई विद रिस्पेक्ट टू माइनस 0.83, ठीक है। और अगर ये हाई है इफ इट इज हाई दिस मीन्स दैट हाई वैल्यू, दिस इज बिकॉज हाई वैल्यू जो होती है इट प्रिफर्स, या प्रिफर्स कह सकते हैं फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। वैल्यू हाई होती जाएगी तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाता रहेगा, और वैल्यू जो है वो छोटी करते हैं, लोअर करते हैं, तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थे और इस किस्म के बहुत एग्जांपल्स हैं, ठीक है, लेकिन हम अब और जो है वो एग्जांपल्स के बजाय आगे आते हैं। पॉजिटिव आयन की एक और समरी देखें अब आप, ठीक है, पॉजिटिव आयन्स के लिए, दिस इज ओनली फॉर पॉजिटिव आयन्स, माइनस 1.03 से ऊपर जाए ऑलवेज हाइड्रोजन, 0.6 माइनस 0.63 से माइनस 0.13 तक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन H2 प्रोड्यूस होगी, कॉन्सेंट्रेटेड है तो कोई भी जो भी और पॉजिटिव आयन्स है उसमें वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और माइनस 0.63 से नीचे नीचे, ठीक है, वैल्यू को और नेगेटिव कर दे जाए, सॉरी वैल्यू को जीरो के करीब ला दे जाए तो ऑलवेज अदर पॉजिटिव आए, ठीक है, अंडरस्टूड।
अच्छा ये देख लिया, एग्जाम्पल्स करवाओ क्या ना इसको, लिख आराम से इसको लिखिएगा। अच्छा जी आपने लिख लिया, बस बहुत हो गया ना लिखने, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने करवानी है आप। ओके एग्जाम्पल देखो, आप आपके पास है जिंक, लेड एंड टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन जिंक 0.7 नेगेटिव, क्या डिस्चार्ज होगा -0.76 पे? जेड एन होगा, ठीक है। एन आई टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन निकल, क्या डिस्चार्ज होगा? -0.25 है निकल। एम जी टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन एम जी, क्या डिस्चार्ज होगा? -2.38 है। एच पॉजिटिव डिस्चार्जेस -2.38, ये तो बहुत बड़ी है, तो हमेशा -0.03 से ऊपर जब भी जाएंगे हमेशा एच टू डिसोसिएट होगा, डिस्चार्ज होगा। तो एच पॉजिटिव डिस्चार्जेस एच टू गैस प्रोड्यूसेस, ठीक है। के पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन के -2.90, अगेन वही सीन, बहुत ज्यादा है, एच टू गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक हो गया। ये आपको अंडरस्टूड है? ये तो बात थी पॉजिटिव की आयन की, अब नेगेटिव आयन की बात देखिए। 1.23 को एक डब्बे में लिखा है, 1.43 उससे ऊपर और 1.03 उससे नीचे, तो ये हमें क्या बता रहे हैं? ये हमें ये बता रहे हैं कि 1.43 तक है अगर, तो डाइल्यूट डाइल्यूट में ऑक्सीजन होगा, कॉन्सेंट्रेटेड में अदर नेगेटिव आयन होगा, ठीक है। और 1.23 से 1.03 कुछ नहीं, और उससे 1.03 से भी लोअर होगा तो अदर नेगेटिव आयन, चाहे डाइल्यूट है या चाहे कॉन्सेंट्रेटेड है, और 1.43 से बढ़ा देंगे तो ऑक्सीजन, ठीक है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन दोनों। ओके अब जो है वो मैं आपको एक ऐसी समरी लिख पाऊंगा। अच्छा अब ये देखिए समरी, अब एक और लिखिए, अब मेरे साथ साथ लिखिएगा। पॉजिटिव आयन है हमारे पास, ठीक है, पॉजिटिव आयन है मेरे पास ग्रुप ग्रुप वन ग्रुप टू Al3 पॉजिटिव, इसमें H2 प्रोड्यूस्ड होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जिंक जब होगा तो दो वो आ जाएगी, कॉन्सेंट्रेटेड में क्या है और डाइल्यूट में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड में जिंक और डाइल्यूट में H2, और अदर्स में आयन, अदर आयन, ठीक है, समझ आ गई। नेगेटिव आयन की बात करें अगर, एफ नेगेटिव SO4 टू नेगेटिव NO3 नेगेटिव, इसमें O2 ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। Cl नेगेटिव Br नेगेटिव, इसमें डाइल्यूट में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा, डाइल्यूट जब होगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, सीएल नेगेटिव या बीआर नेगेटिव दोनों में से एक होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड में सीएल नेगेटिव होगा तो Cl2 होगा, बीआर नेगेटिव होगा तो Br2 होगा, और अदर्स पीछे रहे एक जाता है आई नेगेटिव, और उसमें I2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये एक समरी थी जो मैं चाहता हूं कि आप लिख लें इसको, ठीक हो गया, आपने लिख ली इसको।
अब आपने जो है ये देख ली है कि आपने एक समरी लिख ली। अब इसकी एग्जाम्पल मैं एक और करवाता हूँ। एग्जाम्पल आप देखिएगा कि आपके पास अगर नई बात है, जरा थोड़ी सी सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसमें Cl2+2 इलेक्ट्रॉन, 2 Cl नेगेटिव है, 1.36 का H2+2OH नेगेटिव, 2H2O+2 इलेक्ट्रॉन, 0.83। आपने इसमें से कौन सी फ्लिप करके मैंने लिखी लिया, मुझे ये बताएं। मैंने ये वाली लिखी लिया ना फ्लिप करके, और इसको मैंने फ्लिप नहीं किया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है आप इसको कैलकुलेट करते हो, इसकी वैल्यू 2.19 आ जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में 2 Cl- गिव्स अस Cl2+2 इलेक्ट्रॉन, -1.36 आता है, ठीक है। 2H2O+2 इलेक्ट्रॉन, H2+2 OH नेगेटिव, -0.83, ठीक है। क्या है, -2.19 आ जाता है। ये चीज किस चीज की अक्कासी है, ये इस चीज की अक्कासी करता है सेल में और इलेक्ट्रोलिसिस में ई नॉट वैल्यूज दोनों में डिफरेंट हो, ठीक है। क्या मतलब डिफरेंट हो, डिफरेंट नहीं है, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वेशन जो फ्लिप होनी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। सेल में आपने देखा कि आपने दोनों इक्वेशन फ्लिप की हुई थी, वैसे Cl2+2 इलेक्ट्रॉन 2 Cl नेगेटिव वाली भी नहीं होने की आपने 1.36 है, देख लेते हैं कितनी। अच्छा छोड़, जी 1.36 था, ठीक है, ओके। ठीक है, वो 1.36 था Cl2+2, उसको आपने नहीं चेहरा, उसको आपने 1.36 रखा, लेकिन आपने उसको जो है H2+2OH नेगेटिव, 2H2O+2 इलेक्ट्रॉन को आपने 0.83 रखा, उसको आपने फ्लिप किया था। इलेक्ट्रोलिसिस में भी आपने जो है वो दोनों ऊपर वाली को फ्लिप किया, जिसकी E नॉट की वैल्यू हायर थी उसको आपने फ्लिप किया, सेल में जिसकी E नॉट की वैल्यू कम थी उसको फ्लिप किया। तो ये डिफरेंस देख लीजिएगा सेल और इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है। अब थोड़े से हमने जो अब ये वाला आज का जो काम किया है अभी वाला, इसके बारे में हम थोड़े से सवाल भी तो करना पसंद करेंगे ताकि हमें अच्छा आ जाए। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा प्लीज। डेटा बुकलेट तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास अकल है और हमारे पास समरी है जो मैंने आपको दिखाई है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, जो समरी दी है ना, उसको देख के ट्राई कीजिए, सिर्फ समरी को, पीछे ना है, सिर्फ समरी को देख के ट्राई करिए। तो ये बेटा इतना मुश्किल भी हो, इलेक्ट्रॉन से हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो अभी स्क्रीन है। अच्छा जी, क्या देखा हमने, कंपाउंड है AgF, FeSO4, MgBr, पहले प्रोडक्ट एड एनोड को देखते रहती है, ठीक है। AgF में क्या प्रोड्यूस होगा एनोड में, जी O2 प्रोड्यूस होगा,
ओ टू प्रोड्यूस होगा, FeSO4 क्या प्रोड्यूस होगा एनोड पे? ओ टू, तो लिखते हैं ओ MgBr2 क्या प्रोड्यूस होगा एनोड पे? अगेन ओ टू, ठीक है। अब कैथोड को देख, क्या प्रोड्यूस होगा AgF कैथोड पे? Ag अदर पॉजिटिव, FeSO4 क्या? Fe, MgBr2 H2, ठीक है, अंडरस्टूड। इसकी आप मार्क्स स्कीम देखिएगा, यहाँ पे अभी मेरे पास नहीं है सैडली, इसकी मार्क्स स्कीम देखिएगा, उसमें इसने थोड़ी सी गलती की हुई है, लेकिन दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसमें उसने MgBr2 पर भी H2 लिखा हुआ है, Fe की जगह भी H2 लिखा हुआ है, और FeSO4 का एनोड का प्रोडक्ट भी H2 लिखा हुआ है, ऐसे कुछ इस किस्म का लिखा हुआ है, मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं है, टाइम लगेगा खोलने में, अभी टाइम खत्म हो रहा है ऐसे भी, तो 4.4 में, तो हमने जो है वो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे आओ, आपके पास जिंक इज, मैं भी नहीं, वाह, ZnCl2 लिक्विड है, कैथोड पे क्या होगा एनोड पे क्या होगा ये बताना है, और ZnCl2 कॉन्सेंट्रेटेड कैथोड पे क्या है और एनोड पे क्या है। ZnCl2 डाइल्यूट, एक मिनट लिखने दो, हैं सवाल आपने पहले ही करना शुरू किया, कैथोड पे क्या है और एनोड पे क्या है, अब आप बताइएगा। ZnCl2 कैथोड पे जिंक आएगा, एनोड पे Cl आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड जिंक क्लोराइड कैथोड पे जिंक आएगा, एनोड पे Cl आएगा, ZnCl2 डाइल्यूट हो गया तो कैथोड पे O2 आ जाएगा और एनोड पे पूरा, ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं, एक और भी है, देखिएगा इसको, एनओएच एक्वस O2, O2 H2 Cu, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास PbBr2 लिक्विड है, एनोड पे क्या है और कैथोड पे क्या है, NaCl कॉन्सेंट्रेटेड है, CuNO32 एक्वस है, तो क्या है जी? Br है, यहाँ पे क्या है Cl2 है, यहाँ पे क्या है O2, यहाँ पे Pb कैथोड, यहाँ पे H2 और यहाँ पे कॉपर, ठीक हो गया। सो दिस वाज इट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस का, इतना ही काम था, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का चैप्टर जो है वो अल्लाह के फजलो करम से इट इज ओवर, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला जब हम इसके टॉपिकल्स करेंगे तो और क्लियर चैप्टर हो जाएगा, और मैं हमेशा से एक बात याद रखें कि कोर्स इतना वो नहीं होता, बुक पढ़ने से आपको इतना फायदा नहीं होता, नोट्स पढ़ने से आपको इतना फायदा नहीं होता, जितना फायदा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से होता है, पास्ट पेपर से आप ऐसी चीजें सीखते हैं जो आप बुक से नहीं सीखते, और जो नोट्स जिस टीचर के उठा कर देखने, मेरे नोट्स हैं यहाँ पे, ये काफी पास्ट पेपर से बने हुए हैं, बुक को कम से कम इस्तेमाल करके पास्ट पेपर से एक्सपीरियंस लेके सॉल्व किए गए हैं, पर अक्सर अक्सर जो टॉपिकल है मेरा हमारा, ठीक है, जो हम इंशाल्लाह करेंगे उसके बाद, उसमें जो है वो पुराने क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं, 1990 के क्वेश्चन भी हैं, नाइन अर्ली 2000 के क्वेश्चन भी हैं, उस वक्त आप पैदा भी नहीं हुए, ठीक है। तो इतने पुराने क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाते हैं और टॉपिकल में शामिल है, अगर मैंने कभी नहीं किया प्राइवेट क्लास में,
जब आपको टॉपिकल करती है, जो आई होप आप खुद करते होंगे मेरे घर आने के भी बाद, तो आपने नोट किया होगा कि बहुत पुराना क्वेश्चन है और अक्सर क्वेश्चन की आपको मार्क्स ही नहीं मिलेगी, वो इतने पुराने हैं। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर इलेक्ट्रॉलिसिस। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर दें ताकि आपको हर अपडेट जो है वो वक्त पर मिल जाए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।